press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रशिया में दमोदेदोवा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला पैसेंजर प्लेन मॉस्को के पास रेमनस्की में क्रैश हो गया। इसमें 65 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। इन 71 लोगों में से किसी की जान नहीं बच पाई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चश्मदीदों ने प्लेन को आग के गोले की तरह आसमान से गिरते हुए देखा। रूस के सरकारी टेलीविजन ने इस क्रैश के बाद का एक वीडियो भी दिखाया। वीडियो में घटना के बाद बर्फ पर जगह जगह बिखरा प्लेन का मलबा दिखाई दे रहा है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना पर दुख जताया है। ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कहा कि टेक ऑफ के करीब 4 मिनट बाद ही प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया था। वहीं रूस की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार हादसे की कई वजह हो सकती हैं। इनमें खराब मौसम और इंसानी गलती भी शामिल है। गौरतलब है कि रूस में पिछले दिनों रिकॉर्ड बर्फबारी हुई थी, विजिबिलिटी भी जिससे खराब हो गई थी।